नमस्कार एंड ए वार्म वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर। माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज सीतापुर छत्तीसगढ़ इंडिया। एंड दिस इज ए लेक्चर पर्टेनिंग टू BSc पार्ट वन एंड द पेपर इज अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित एंड त्रिकोणमिति एंड द यूनिट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का सिद्धांत। एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारी मेथड, मीन्स किसी दिए हुए चतुर्घात समीकरण का फेरारी विधि के द्वारा हल। तो आइए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसे हम इस लेक्चर में उठाएंगे, मीन आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे कि यदि आपके पास कोई बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसे हम फेरारी विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये किसी बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मैटर मैथमेटिशियन फेरारी द्वारा प्रपोज किया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स हमारे पास क्या है, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4 बी एक्स टू दी पावर 3 प्लस 6 सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 है। तो हम जो इक्वेशन 1 है इसे हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मीन्स हम क्या चाहते हैं, ए एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाए। नाउ इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 और 1 के सेम पावर और एक्स को कंपेयर करने पर और एम और एन को लिमिट करने पर हमारे पास एक लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद एम एंड एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी सहायता से हम बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फेरारी मेथड बहुत ही अच्छा बट थोड़ा लेंथी मेथड है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूँ। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारी मेथड। आपको एक चतुर्घात का समीकरण गिवन है जिसे आपको फेरारी विधि के द्वारा हल करना है। इक्वेशन क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 के फर्स्ट टू टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स टू दी पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 12 लिख देंगे। नाउ जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ x टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। नाउ 4x टू दी पावर 3 को मैं माइनस 2ab के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, माइनस 2a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। नाउ 4x टू दी पावर 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर हमारे पास है, 4x टू दी पावर 3 लाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास आ गया 4x टू दी पावर 3। मींस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ए स्क्वायर का काम कर रहा है, देन माइनस 2a एंड ये b, ये जो 2x है ये आपका b का काम कर रहा है। मींस जो लेफ्ट हैंड साइड को यदि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे प्लस बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। नाउ मैंने हमने ऐड कर दिया प्लस 2x स्क्वायर। नाउ यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2x स्क्वायर ऐड किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में भी प्लस 2x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। देन इससे हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इस आपके पास आ गई 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक लैम्डा प्रपोज करेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाए प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2λ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आपका ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये आपका बी स्क्वायर और ये 2ab का काम करेगा। नाउ सिंस हमने लेफ्ट हैंड साइड में टर्म ऐड किया है, दो टर्म ऐड किया है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सेम टर्म राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। मींस राइट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2λ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इक्वेशन आएगी 5 प्लस 2λ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 माइनस 4λ इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। नाउ सिंस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, डी इक्वल टू 0 तो टू रियल एंड आइडेंटिकल रूट आते हैं, डी लेस देन 0 पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। नाउ यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डी को 0 लेना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट को हमें 0 लेना पड़ता है। मीन्स हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा।
मीन्स अल्टीमेटली आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लेना पड़ेगा। नाउ हमारे पास इक्वेशन टू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्डा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 माइनस 4 लैम्डा इनटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। लेफ्ट हैंड साइड हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लेंगे। नाउ यहाँ पे जो आपका 5 प्लस 2 लैम्डा वो आपका ए का काम करेगा, माइनस 16 माइनस 4 लैम्डा आपके लिए बी है, एंड सी की वैल्यू क्या होगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मीन्स हम ले रहे हैं माइनस 16 माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, ए की वैल्यू आपकी क्या है 5 प्लस 2 लैम्डा, एंड सी की वैल्यू क्या है लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। नाउ यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, एंड आपके पास आएगा 4 स्क्वायर बाहर निकल गया, एंड 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अंदर बचा, यहाँ पे आपका है 4, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2 लैम्डा टू पावर 3 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा प्लस 60। नाउ इस 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, आपके पास टर्म क्या बचेगी 4, और 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या टर्म बची 2 लैम्डा टू पावर 3 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा प्लस 60। नाउ इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करिए, आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 2 लैम्डा टू पावर 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। नाउ इस इक्वेशन 3 इससे हम इसे डिनोट कर देते हैं, इक्वेशन 3 को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, मीन्स आपको लैम्डा की वैल्यू बाय इंस्पेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देन हमारे पास क्या बचेगा 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2 लैम्डा प्लस 1, मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या जा रही है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स इसे सॉल्व करने पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 बाई 2। इन तीन वैल्यू में से हम कोई भी वही वैल्यू ले सकते हैं, सपोज हमने लैम्डा इक्वल टू 2 लिया, देन हमारा इक्वेशन 2 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 माइनस 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12। मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। नाउ सिंस हमने राइट हैंड साइड में लैम्डा की वो वैल्यू पुट की थी जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो क्या होगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले चले तो माइनस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फर्स्ट टर्म आपका ए का काम करेगा, सेकंड टर्म आपका बी का काम करेगा। मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ए हुआ प्लस बी मीन्स 3x माइनस 4, एंड सेकंड टर्म क्या आ जाएगी ए माइनस बी, ए मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड बी मीन्स माइनस ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन इसे सिंप्लीफाई करिए, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पास यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम श्रीधराचार्य रूल लगा के उसके रूट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके रूट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास रूट्स आएंगे माइनस 2 1 2 एंड 3, यही आपके गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं माइनस 2 1 एंड माइनस 2 1 2 एंड 3, यही हमें फाइंड करना था। चलिए मैं आपको ये मेथड एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसे हमें फरारी विधि के द्वारा हल करना था, हमने क्या किया उसे इक्वेशन वन सपोज किया, इस इक्वेशन वन में फर्स्ट दो टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया और बाकी टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ले गए। नाउ फर्स्ट जो टू टर्म जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, हमने प्लस 2x स्क्वायर ऐड किया, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में भी प्लस 2x स्क्वायर ऐड करना पड़ा। नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। नाउ हम एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर के फॉर्म में उसे हम लिखना चाह रहे हैं, इसके लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म ऐड करने पड़ेंगे, इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट को हमें जीरो लेना पड़ेगा, मीन्स हम क्या लेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इससे हमारे पास लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम इक्वेशन 3 से डिनोट करेंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास लैम्डा की तीन वैल्यू आ गई, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए,
सपोज हमने लैम्डा इक्वल टू टू ले लिया, लैम्डा इक्वल टू टू को अगेन हमने इक्वेशन टू में पुट किया, जिससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया। नाउ इसे हम वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले चले तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, इसे हम ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फेरारी विधि के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, उसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फेरारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यदि हमने लैम्डा की वैल्यू ली थी टू, यदि हमने इसे माइनस टू लिया होता या माइनस वन बाई टू लिया होता तो क्या होता। इससे आपके रूट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपके जो इक्वेशन वन के रूट्स हैं वो आपके सेम ही आएंगे चाहे आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू लीजिए। इस पे पहले रिमार्क्स पहले पढ़ लेते हैं। रिमार्क्स क्या कहता है, इक्वेशन थ्री जो कि आपका विच इज़ क्यूबिक इन लैम्डा इज नोन एज रिड्यूसिंग क्यूबिक। इक्वेशन थ्री हमारे पास था जो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन था उसे हम रिड्यूसिंग क्यूबिक के नाम से जानते हैं। इस रिड्यूसिंग क्यूबिक से आपको लैम्डा की तीन वैल्यू मिलेगी, हम देख चुके हैं। हालांकि जो थ्री वैल्यू है वो आपको थ्री डिफरेंट सेट ऑफ रूट्स नहीं देंगे, ये केवल आपको थ्री डिफरेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन देंगे। मीन्स ये आप इससे आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू चूज करिए आपके पास बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम ही आएंगे, हाँ बट फैक्टराइजेशन के मेथड डिफरेंट डिफरेंट होगी। हेंस हम उन इसे रिड्यूसिंग क्यूब की कोई भी एक रूट हमें पता चल जाए तो हमारे लिए सफिशेंट या इनफ होगी। नाउ फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस मैं लैम्डा इक्वल टू माइनस टू हम रख के पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन लैम्डा की क्या क्या वैल्यू थी, टू माइनस टू एंड माइनस वन बाई टू हमने लिया था लैम्डा इक्वल टू टू। नाउ हम लैम्डा इक्वल टू माइनस टू पुट करके देखते हैं, किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। हम क्या लेना चाह रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू टू हो चुका है, लैम्डा इक्वल टू माइनस टू लेके हम चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस टू इंटू माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर इंटू माइनस टू इंटू एक्स प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सिंस हमने लेमडा और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन। सिंस हमने लेमडा की वो वैल्यू चूज की है जिससे राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आपके पास राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। नाउ इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले सकें और ले जाएं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा ले, या फिर हम एक और तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो ए इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस फोर। नाउ प्लस लेने पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और माइनस लेने पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, इसे आप श्रीधराचार्य रूल लगा के सॉल्व करिए। श्रीधराचार्य रूल लगा के सॉल्व करने पर हमें पता चलता है कि इस दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे, माइनस टू वन टू एंड थ्री, मीन्स गिवन इक्वेशन वन के रूट्स सेम ही आए चाहे हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू लें। हाँ फैक्टराइजेशन की तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट लैम्डा की वैल्यू चेंज करने से रूट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स रूट्स आपके सेम ही आएंगे। मीन्स हमें ये जो रिड्यूसिंग क्यूबिक इक्वेशन की कोई भी एक रूट पता चल जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। अभी तक हमने क्या लिया, इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू टू लेके सॉल्व किया था, लैम्डा इक्वल टू माइनस टू लेके भी हमने देख लिया, आप लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाई टू रख के भी चेक कर सकते हैं रूट्स इक्वेशन की सेम ही है। ये पोर्शन मैंने बस सेक ऑफ कम्प्लीटनेस के लिए किया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सॉल्व द बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारी मेथड, आपको एक चतुर्घात का समीकरण दिया है जिसे फेरारी विधि के द्वारा हल करना है। हमें क्या इक्वेशन दिया है, एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसे इक्वेशन वन सपोज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म को राइट हैंड साइड में ले चलेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री को माइनस टू बी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, माइनस टू ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर और हमें क्या चाहिए, माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री, मीन्स इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर इन टू एक्स करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री,
ये आपका माइनस टू ए बी आ गया। नाउ इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे प्लस बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ बी का काम क्या करेगा इनटू एक्स, मीन्स हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेम टर्म प्लस एक्स स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया फाइव प्लस वन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम एक लैम्डा इंट्रोड्यूस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फर्स्ट ये टर्म आपके लिए a का काम करेगी। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा। सेम टर्म हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मीन्स राइट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सिक्स प्लस टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टेन माइनस टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसे हम इक्वेशन टू सपोज कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन टू में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और तो हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इक्वेशन टू की जो राइट हैंड साइड है वो जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट को जीरो लेना पड़ेगा, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी सी का काम क्या करेगा, फर्स्ट टर्म है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, फर्स्ट टर्म आपका ए का काम करेगा सिक्स प्लस टू लैम्डा प्लस बी एक्स, सेकंड टर्म आपका बी का काम करेगा माइनस टेन माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू बी होगा एंड सी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री। इस राइट हैंड साइड को इक्वेशन टू के परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, मीन्स हम लेंगे माइनस टेन माइनस टू लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स प्लस टू लैम्डा इंटू सी मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री। नौ यहाँ से माइनस टू का होल स्क्वायर बाहर निकालिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास बचा टू का होल स्क्वायर और आया फाइव प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है फोर, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा टू लैम्डा ऊपर थ्री प्लस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सिक्स लैम्डा प्लस एटीन, फोर और फोर कैंसिल हो गया एंड फाइव प्लस लैम्डा होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वेंटी फाइव प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस टेन लैम्डा, राइट हैंड साइड में आपके पास बचा टू लैम्डा टू पॉइंट थ्री प्लस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सिक्स लैम्डा प्लस एटीन इज। नाउ इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टू लैम्डा टू पॉइंट थ्री प्लस फाइव लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन थ्री है। नाउ इक्वेशन थ्री को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू भी पता चल जाए, एक रूट भी हमें मिल जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, हमें हिट एंड ट्रायल से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन हमें बाय इंस्पेक्शन लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम वैल्यू पुट कर करके चेक करेंगे। सपोज हम लैम्डा की वैल्यू जीरो लें तो हमारे पास क्या जाएगा, टू इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू जीरो माइनस फोर इंटू जीरो मीन्स माइनस सेवन, मीन्स आपके पास क्या आ गया, माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, माइनस सेवन तो जीरो के इक्वल नहीं होता, मीन्स लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। देन आप लैम्डा इक्वल टू वन पुट करके देखिए क्या आपके पास जीरो बराबर जीरो आ रहा है, देन लैम्डा की वैल्यू माइनस वन पुट करके देखिए क्या जीरो बराबर जीरो आ रहा है, देन लैम्डा की वैल्यू टू पुट करके देखिए क्या जीरो बराबर जीरो आ जाए, या लैम्डा की वैल्यू माइनस टू पुट करके देखिए। इस तरह से हमें बाई इंस्पेक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लैम्डा की कोई भी एक वैल्यू पता चल जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट होगी। जैसे इस केस में हमारे पास क्या, लैम्डा इक्वल टू माइनस पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस फाइव इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, मीन्स हमारे पास आ गया माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस फाइव प्लस फोर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, मीन्स हमारे पास आ गया जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स लैम्डा इक्वल टू माइनस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो लैम्डा इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन की रूट है और हमारे लिए एक इक्वेशन फाइंड करना ही सफिशियंट है, तो हम वैल्यू ले लेते हैं लैम्डा इक्वल टू माइनस वन। लैम्डा इक्वल टू माइनस वन हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टेन माइनस टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री। यहाँ में लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू माइनस वन। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू इंटू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टेन माइनस टू इंटू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सिंस हमने लैम्डा की वो वैल्यू चूज की है जिससे कि राइट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपके पास राइट हैंड साइड में देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसे हम रख देते हैं, फर्स्ट टर्म आपका ए का काम करेगा सेकंड टर्म आपका बी का काम करेगा, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन एंड बी की वैल्यू हो जाएगी टू एक्स माइनस टू। फर्स्ट टर्म आएगा आपका ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस टू,
सेकेंड टर्म आएगी आपकी ए माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस टू, दोनों को सिंपलीफाई करिए, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सीधे चार रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं और इनको उसके रूट फाइंड कर सकते हैं, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और उसके रूट्स फाइंड कर लीजिए। वो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन बाई टू एंड थ्री प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू, यही है आपके गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मीन्स आपके पास जो रिक्वायर्ड रूट्स थी इक्वेशन में की वो क्या आ गई, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन बाई टू एंड थ्री प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू। इस तरीके से हमें किसी भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फेरारी मेथड से सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि आपके पास यदि कोई भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसे फेरारी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ ही आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला यूनिट भी कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।